हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग को बहुत ही शुक्रिया वॉल क्लास फैब्रिकेशन वर्कशॉप में। मैं जो यूट्यूब चैनल खोला हूँ, ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जो है मेरा पास, वो आप शेयर करूँगा। इसमें आप लोग भी बेनिफिट मिलेगा, मेरे को भी और भी कॉन्फिडेंस मिलेगा। मैं जो काम करके आया हूँ प्रैक्टिकल में जो काम किया, तो कोई सुपरवाइजर को इंटरव्यू देने के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कंपनी, मेरे को जो कंपनी में इंटरव्यू देने के टाइम पे क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, मैं आप लोग को शेयर करने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप में। मैं इसमें बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हूँ जो प्रैक्टिकली, मतलब कोई किताब से मैं ऐसे लिखा नहीं, क्यों ना मेरा जो मन पे ऐसे क्वेश्चन पूछा था, मैं जो प्रिपेयर करता था इंटरव्यू टाइम पे, तो मैं ये सब क्वेश्चन मैं आप लोग के लिए तैयार किया। तो इसमें क्या होगा, आप लोग भी कोई भी इंटरव्यू देने के लिए जाओगे, डेफिनेटली आप लोग इंटरव्यू क्या कर सकते हो, क्यों ना एक क्वेश्चन छोड़ के फैब्रिकेशन में, ओल्डिंग छोड़ के, प्रैक्टिकली जो मैनेजमेंट का जो रहता है सॉफ्ट फ्लोर मैनेजमेंट का क्वेश्चन छोड़ के, और ज्यादा क्वेश्चन पूछता मेटलॉजी छोड़ के, कोई ज्यादा क्वेश्चन पूछता नहीं है प्रैक्टिकली। जो डेफिनेटली हायर पोस्ट में जो रहेगा वो अलग बात है, बट इसमें जो नीचे वाला जो पोस्ट में सुपरवाइजर इंजीनियर सीनियर इंजीनियर लेवल पे, आपको ये सब क्वेश्चन पूछता है बेसिक, जिसे पता है कि लड़का वो ये सब चीज पूछता है। तो मैं टाइम नहीं वेस्ट करके मैं आप लोग को बोलिए शेयर करूंगा। जो नया मेंबर है उसको जो पता नहीं है मेरा चैनल पे, प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल को, मेरे को और भी एनकरेज कीजिए, मैं और भी अच्छा अच्छा वीडियो आप लोग के लिए बनाऊ। पहले जो क्वेश्चन है सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ इंट्रोडक्शन में आप लोग को पता ही होगा, क्यों ना जो एक्सपीरियंस एक दो साल एक्सपीरियंस बंदा है, वो फ्रेशर बंदा है, उसको पता ही होगा। जैसे आपको बताना है इंग्लिश में बताना है, वो हिंदी में आपको जो कॉन्फिडेंस है वो हिसाब से बताने का, आपका नाम बताने का, उसके बाद आप किधर से आए हो बताने का, उसके बाद आपका जो क्वालिफिकेशन रहते हैं वो हायर क्वालिफिकेशन बताने का, उसके बाद जितने लोग काम कर रहे हो, जैसे जो भी छोटा कंपनी में काम करो, बाबा बड़ा कंपनी काम करो, उसका बात नहीं है, जो काम कर रहे हो वो हिसाब से आपका एक्सपीरियंस जो काम कर रहे हो उसको बताने का, उसके बाद आपको हॉबी बताने का, डेट शीट इतना ही बताने का। ज्यादा बोलेगा तो आपको कॉन्फिडेंस ज्यादा बढ़ता नहीं है, टाइम वो लोग पता ही है आपको, वो लोग को सीवी देख के पता ही होगा उसको क्या किया। व्हाट इज मी गोल्डिंग, ये डेफिनेटली पूछते हैं, क्यों ना मी गोल्डिंग का ऊपर प्रैक्टिकली प्रोडक्शन कंपनी पे मी गोल्डिंग ज्यादा चलता है, इसलिए आपको मी गोल्डिंग, व्हाट इज मी गोल्डिंग, मी गोल्डिंग स्टैंड बाय, व्हाट इज स्टैंड बाय मी गोल्डिंग, मी गोल्डिंग का फुल फॉर्म बताना पड़ेगा आपको। मी गोल्डिंग क्या है, मेटल इनर्ट गैस होल्डिंग, हम लोग मी गोल्डिंग बोलते हैं। इसमें क्या रहते हैं, हम लोग को मी गोल्डिंग का अंदर जो प्रोसेस रहते हैं, मी गोल्डिंग GMAW का अंदर जो मी एंड मैग रहता है उसका अंदर जो प्रोसेस रहते हैं वो आप लोग को बताने पड़ेगा। उसके बाद बोलते हैं व्हाट इज मैग होल्डिंग, मैग होल्डिंग क्या है, मतलब मेटल एक्टिव गैस होल्डिंग, मेटल एक्टिव गैस के अंदर क्या रहता है, हम मेटल इनर्ट गैस यूज करते हैं और मैग में मेटल एक्टिव गैस यूज करते हैं। एक्टिव गैस कौन सा है और इनर्ट गैस कौन सा है, मेटल एक्टिव गैस जैसे है ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये सब एक्टिव गैस है, तो उसमें हम लोग मैग में कार्बन डाइऑक्साइड प्लस आर्गन यूज कर रहे हैं, मतलब 100% नॉट 82% हम लोग आर्गन यूज कर रहे हैं, 18% CO2 यूज कर रहे हैं, और कोई कोई जगह पे 80% मतलब 80% आपका आर्गन यूज करते हैं और 20% CO2 यूज करते हैं। इसमें और भी रहते हैं, मेटल प्रोसेस सेम है, होल्डिंग प्रोसेस सेम है, बार उसमें पेनिट्रेशन ज्यादा होता है, और भी आज मीग होल्डिंग पे क्या होता है, स्पेडर थोड़ा कम आता है, मीग में भी कम आता है, मैग में भी कम आता है, बट उसमें पेनिट्रेशन का डिफरेंस आता है, ऑयल पूल का साइज बदलता है, ये सब चीज होता है, तो इसलिए आप लोग मैग यूज ज्यादा करते हैं। ये उसके बाद पूछता है व्हाट डू यू मीन द WPS, WPS क्या है, तो आप लोग जो सुपरवाइजर है आपको पता ही होना चाहिए WPS क्या है, उसको समझाने पड़ेगा आपको। WPS क्या है? मतलब WPS के अंदर शॉप फ्लोर में दिया जाता है आपको कितना वोल्टेज रहना चाहिए, कितना एम्पीयर रहना चाहिए, कितना वायर स्पीड रहना चाहिए, मेटेरियल कौन सा है, फ्लो मीटर से आपको कितना होना चाहिए, इसके बाद बोलते हैं इंटरफेस टेम्परेचर कितना होना चाहिए, उसका प्रीहीट कितना होना चाहिए, पोस्ट हीट कितना होना चाहिए, ये सब बताता है, क्यों ना इसका पर WPS के अंदर सब कुछ रहता है। WPS वेल्डिंग प्रोसीजर स्पेसिफिकेशन, इसका अंदर सब कुछ रहता है। बहुत वीडियो ज्यादा बड़ा हो रहा है तो इसलिए मैं बहुत सारा क्वेश्चन लिखा हूँ, ये क्वेश्चन आप लोग आज इतना ही होगा, उसके बाद मैं दूसरा वीडियो में पार्ट 1 और पार्ट 2 करके करूँगा।